देखो हम थोड़ा मिटा रहे हैं यहां पर समझाने के लिए, बढ़िया से समझें। जब भी आप ट्रेडिंग कंसर्न का या हाउस होल्ड का बनाइएगा तो जो 10 आइटम्स है वो 10 आइटम्स का जो अमाउंट है वो क्रेडिट में जाएगा, लेकिन क्लब सोसाइटी जो है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके लिए इनकम क्या होगा, यानी उसके लिए क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे। तो मान लीजिए अपने आप को एक क्लब या सोसाइटी का आप कोई चेयरमैन या कुछ भी मान लीजिए अपने आप को चेयरपर्सन, तो आपके लिए इनकम क्या होगा, किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन सा डोनेशन, ये हमारे लिए इनकम होगा। जब भी क्लब सोसाइटी बोलते हैं तो थोड़ा बड़ा बड़ा सोचेंगे, जितना बड़ा सोच रखेंगे उतना ही दूर भागेंगे। तो जितने भी बड़े बड़े क्लब हैं, लायंस क्लब हुआ, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब हुआ, ईस्ट बंगाल हुआ, तो ये सारे जितने देख रहे हैं क्लब सोसाइटी, इसके इनकम क्या क्या हो सकते हैं। जो लोग सब्सक्रिप्शन देता होगा, डोनेशन देता होगा, गवर्नमेंट भी ये लोग को पैसा देता है, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। ये लोग क्या करते हैं, ग्राउंड को हायर करते हैं, दूसरे को भाड़ा में दे देते हैं कभी कभी, जैसे कुछ आपको कोई फंक्शन करना है तो वहां पर वो मिल जाता है। तो इसके लिए इनकम क्या क्या होगा, अभी आप देखते होंगे जब आप कहीं पर भी खेलने के लिए जाते हैं तो घर से बैट विकेट बॉल सब हाथ में उठा के लेकर जाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर लेकर आ जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े क्लब में जाते हैं वो लेकर नहीं आते, वहां पर उसका लॉकर अलॉट होता है, लॉकर मिलता है, उस लॉकर में रेंट देना पड़ता है, वहीं पर सब कुछ बंद करके आता है फिर आ जाता है, समझ रहे हैं। तो लॉकर रेंट जो रिसीव्ड होता है वो उसके लिए इनकम है। तो उसके लिए क्या क्या इनकम है, जैसे अभी आपने लिखा था तो यहां पर भी आप क्रेडिट आइटम लिख दीजिए, लिखिए क्रेडिट आइटम। क्रेडिट आइटम किसका लिख रहे हैं आप, क्लब और सही सब लिखते जाइए। पहला आप अलग से लिखेंगे, मेरे लिए तो ये फॉर्मेट है, मेरे लिए तो ये फॉर्मेट है, फिर से हम ये फॉर्मेट बनाएंगे। अभी हम क्रेडिट आइटम लिखा रहे हैं, क्रेडिट आइटम क्या क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। पहला सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, डोनेशन ओनली या डोनेशन फॉर बिल्डिंग लाइब्रेरी, कुछ भी बोल देगा, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला है। एंट्रेंस फी, बड़े बड़े जो क्लब होते हैं वहां एंट्री लेने के लिए आपको फीस देना पड़ता है, गवर्नमेंट भी ग्रांट देता है। हायर ऑफ ग्राउंड हॉल, वहां पर तरह तरह के चीज को सिखाया जाता है। तो वहां पर मान लीजिए अगर आप कहीं पर क्रिकेट सीखने के लिए गए तो फ्री में नहीं सिखाएगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। तो फीस फ्रॉम ट्रेनिंग। अदर लाइबिलिटी, अरे लाइबिलिटी तो उधर जाता ही है। अदर रिसीट, अरे क्रेडिट साइड में जाता क्या है, अभी तो आप जानते ही हैं क्रेडिट साइड में क्या जाता है, एनी लाइबिलिटी और एनी इनकम, तो वही चीज हुआ। तो मेन आपको इतना ही ना याद रखना है। तो सम्स नंबर जरा 1 देखिए, कितने आइटम है, 17। जैसे ही हम लोगों ने ये लिख लिया तो अब टिक लगाएंगे, सब्सक्रिप्शंस क्रेडिट में आएगा, एंट्रेंस फी क्रेडिट में आएगा, लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शंस भी आएगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट या तो डेबिट बोल ही दिया है, सब डेबिट क्रेडिट बोल देता तो कितना अच्छा था, फटाफट हम लोग लिख लेते। वेजेज नहीं लिखवाए 10 आइटम्स में, अभी वही 5 आइटम लिखवाए थे, 7 आइटम। फर्नीचर नहीं, बुक नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं, लाइटिंग नहीं, ये कुछ भी नहीं आएगा। एक्यूमुलेटेड फंड, अब अमाउंट बिठा दीजिए कदम, चलो जल्दी करो। कितना आया दोनों तरफ, 40। आ गया समझ में, तीनों का तीनों, यही 3 आइटम थे जी, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, हाउस होल्ड, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ओके।